लगता है यार दोस्त में आप कुछ ज्यादा ही पी लिए। मैंने तो क्या मैंने नहीं तू लेट कर दिया यार, कल टाइम पे आना है। ठीक है ठीक है, मेरा रास्ता आ गया यार। हेलो यार दोस्त, मैं चलते चलते तुम्हारे घर का रास्ता भी आ गया। चलो भाई कल कल मिलता हूँ। हाँ जी कल मिलता हूँ। रोको रोको रोको, हमारे साथ चलो। वहां बैठ जाओ। लगता है आज बिजली फिर से चली गई। बाबूजी जी, दरवाजा खोलिए। आशा, हाँ हमारे साथ चलो। आशा, आशा बोल क्यों नहीं रही हो? आशा, आशा कुछ बोल क्यों नहीं रही थी? अरे बिजली कब गई?
आशा। या हमारे साथ चल आशा का। कौन है तुम? आशा का क्या हुआ? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? कैसे पहुंचे? आओ हमारे साथ चलो। जगह पिछले एक महीने में 5 लोग गायब हुए। उनमें से 3 लोग तीसरी ही रात वापस अपने घर आ गए और उन्होंने घर आकर अपने घर वालों को मार डाला। अब लोगों को लगता है कि बाकी के बचे हुए 2 लोग भी वापस आकर अपने घर वालों के साथ में यही करने वाले हैं। शहर के लोग बहुत डरे हुए हैं। विनय सिंह एंड सोमनाथ पोखरियाल। विनय को भागे हुए 2 दिन हुए और सोमनाथ कल रात से लापता है। इन केसेस में एक बात कॉमन है। क्या? एक बस। कहते हैं कि आज से 30 साल पहले बारातियों से भरी एक बस का एक्सीडेंट हो गया था। लोगों का कहना है कि वो बस उन्हें दिखती है। कहानियां तो लोग अपने टाइम पास के लिए बनाते रहते हैं। खैर जो भी हो, बस हो या कुछ और, हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। इस विनय सिंह के घर पे जाता हूँ, तुम सोमनाथ का फॉलोअप करना। एक बात बहुत अजीब है इस केस में। क्या? 3 दिन तक मिसिंग होना और तीसरे दिन अपने घर आकर अपनी पूरी फैमिली को मार देना, ऐसा कोई क्यों करेगा? और वो बस? लेकिन ये सब अब क्यों हो रहा है? ये सब 30 साल पहले भी हो सकता था। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रही थी। सबसे पहले ये पता लगाना जरूरी है कि 3 दिन के बाद अपने घर वापस लौटकर अपनी पूरी फैमिली को मारने के पीछे किसी का क्या मोटिव हो सकता है। अदिति, तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि इतने दिन तुम कहां थी और तुम्हें किसने किडनैप किया था? देखो, मैं बार बार तुमसे ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अगर तुम्हें कुछ भी याद है तो मुझे शायद शिवानी के मर्डर के लिए कोई लीड मिले। विक्रांत, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी ठीक से याद नहीं आ रहा है। मुझे बस इतना याद है कि वहां पर बहुत अंधेरा था, सब कुछ धुंधला धुंधला था और वहां पर कुछ आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कैसी आवाजें? ठीक से याद नहीं है लेकिन वो बहुत ही अजीब भाषा थी। इंसानों की भाषा नहीं थी वो। ऐसा लगा जैसे वो दुनिया इस दुनिया से बिल्कुल ही परे थी। I'm sorry. मैं तुम्हारी उस वक्त कोई मदद नहीं कर सका। विक्रांत, don't be sorry. हम figure out कर लेंगे कि असल में हुआ क्या था। फिलहाल इन मास मर्डर्स को figure out कर लेते हैं। मिसेस सिंह? जी जी, मैं एसीपी विक्रांत सिंगल।
मुंबई पुलिस। जी नमस्ते। आप घर छोड़कर जा रही है? जी हाँ, मैं इस घर में और नहीं रह सकती। ये घर मेरे लिए अब सेफ नहीं है। बाकी लोगों की तरह विनय मुझे भी। देखिए आप घबराइए मत, पुलिस है ना, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। मैं जानती हूँ ये सब कुछ उस बस वाले भूत की वजह से हो रहा है। विनय उस दिन मुझसे बता रहे थे ये सब। क्या बताया था? यही कि जो कोई भी उस बस में बैठता है वो पहले 3 दिन तक उसे कंट्रोल करती है और फिर तीसरे दिन को क्या? तीसरे दिन वो मुझे मारेगा। देखिए ये सब ये सब कैसे हुआ? कब से शुरू हुआ ये सब? परसों रात को जब विनय घर पर आए तो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ाए जा रहे थे और अचानक चिल्लाने भी लगे। और जब नॉर्मल हुए तो बोले कि बस में बैठ गया था। फिर वो गायब हो गए। और आज तीसरा दिन है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मैं यहाँ से चले जाऊंगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपके घर पे 24 घंटे का सर्वेलेंस लगा देंगे। आपको घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, प्लीज। विनय कौन सी कॉलेज में पढ़ाते थे? लोटस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अरे यहाँ क्या कर रहे हो आप? नाम क्या है आपका? मालती बेटा। अरे वो तुम्हारे लिए खिलौने लाया हूँ मैं। हाँ वो आप कौन? नमस्ते, मैं एएसपी अदिति शर्मा। आप सोमनाथ के परिवार के बारे में कुछ जानते हैं? जी बहुत अच्छे से, बहुत भले आदमी है, पर पता नहीं किस मनहूस घड़ी में वो उस बस में बैठे थे, तब से पागल से हो गए। आखिरी बार कब मिले थे आप उनको? पिछली रात को घर से चिल्लाते हुए बाहर निकले थे। बचाओ, बचाओ! उसके बाद का पता नहीं कहाँ गया। ठीक है, ये मेरा कार्ड है, अगर सोमनाथ के बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो आप हमें बताइएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। चलो बैठी। 24 घंटे हो गए इन्हें गायब हुए। घबराओ मत बेटा, आ जाएगा वो। उस रात ऐसा क्या हुआ था जो सोमनाथ घर आकर भाग गया? मैडम जी पता नहीं, हर रात की तरह उस रात भी वो शराब पीकर आया था घर में। फिर पता नहीं क्या हुआ, हम सबको देख के वो चीखने लगा। और पता नहीं वो हमारी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसने हमारी जगह कोई भूत देख लिया हो। एक मिनट,
मैडम क्या हुआ? कुछ नहीं मैडम, लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं। कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि तीसरी रात वो फिर वापस आएगा हमें मारने के लिए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम इस बात की तह तक जाएंगे। प्रिंसिपल खंडूरी? यस जी, मैं विक्रांत सिंगल, ACP मुंबई पुलिस। ओके, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जी, आपके कॉलेज में विनय सिंह नाम के प्रोफेसर पढ़ाते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात करनी थी, आप कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? विनय सिंह हमारे कॉलेज के सबसे अच्छे प्रोफेसर में से एक थे। अपने स्ट्रिक्ट बिहेवियर की वजह से सब उनसे बहुत डरते थे, यही वजह है कि उनके स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे नंबर लाते थे। लेकिन अचानक क्या हो गया कि वो गायब हो गए? आपने कहा वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, उस वजह से किसी स्टूडेंट के साथ कोई झगड़ा हुआ हो या? नहीं नहीं, आई मीन टू से कि ऐसे तो बहुत रूमर होते रहते, जैसे वो बस वाली बात। एग्जैक्टली, लेकिन आई मीन एक बस ये सब कैसे कर सकती है? जी थैंक यू सर। वैसे एक रूमर और फैला है आजकल, कौन सा? लोग कहते हैं कि उनका किसी लड़की के साथ अफेयर था। उस बस वाली अफवाह के अलावा मैंने आज एक और इंटरेस्टिंग अफवाह सुनी। क्या? क्या हो गया यार इसको? अरे यार, बॉनेट खोल के देखना पड़ेगा। अफवाह के बारे में क्या बोल रहे थे? हाँ, उस बस वाली अफवाह के अलावा एक और इंटरेस्टिंग अफवाह सुनी मैंने। वो जो विनय सिंह है उसका कॉलेज के किसी स्टूडेंट के साथ कुछ सीन चल रहा है। और बताओ ये बात मुझे किसने बताई? साक्षात प्रिंसिपल ने? ये बुजुर्ग लोग भी आजकल गॉसिपिंग में काफी इंटरेस्ट लेते हैं। खैर ये इंसानों की बात है, मैं फिगर आउट करूंगा। उस बस के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? कुछ महसूस हो रहा है तुम्हें अंदर से? तुम तो काफी एक्सपर्ट हो इन चीजों में। नहीं नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन विक्रांत इतने सारे लोग झूठ तो नहीं बोल सकते, और फिर वो तीसरी रात का क्या चक्कर हो सकता है? तीसरी रात का तो पता नहीं, फिलहाल तो इस रात का फिगर आउट करते, ये तो स्टार्ट होने से रही। नेटवर्क नहीं आ रहे यहाँ पे। लो, अब तो सर्विस भी चली गई। हमारे साथ चलो। नहीं विक्रम, इस बस में मत चलना। विक्रांत, ये वही बस थी। चलो इसका पीछा करते हैं। नहीं, इस बस का पीछा कोई नहीं कर सकता। इस बस का तो पीछा नहीं कर सकता, पर एक इंसान का तो कर सकता। मैडम, यही वो बस है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था।
आज से 32 साल पहले इस बस का एक्सीडेंट हुआ था। लोग शादी से वापस घर जा रहे थे। कितने लोग थे उस बस में? पुलिस को 22 बॉडीज बरामद हुई थी। शादी के 3 दिन बाद उन्हें ये लाशें मिली थी, लेकिन बस में जो दूल्हा था उसकी बॉडी कहीं नहीं मिली। और लोगों के मुताबिक ये बस कब से दिखना शुरू हुई थी? एक्सीडेंट के कुछ दिन बाद ही लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट की कि पुराने हाईवे पे जो बस स्टॉप है, ये बस उन्हें वहां दिखाई दी थी। आपने जिस बंदे की तस्वीर दी थी, वो बंदा सामने बैठा। पक्का वही है ना? हाँ सर, ये वही है। मैं आप ही का वेट कर रहा था। विनय। अरे रुक। अरे रुक जा, ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा तू। खड़ा हो। अबे बोला था ना ज्यादा दूर भाग नहीं पाएगा, फालतू में भगाया। लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ वो लड़का और उसका परिवार चाहिए। सिर्फ लड़का क्यों? उसने हमें मरने के लिए छोड़ दिया और हम 3 दिन तक तड़पते रहे। वो लड़का हमें चाहिए। अब तुम जाओ, जाओ। हाँ विक्रांत। विनय मेरे हाथ लग गया है, मैं उसे लेकर उसके घर जा रहा हूँ। ठीक है। चलिए प्रोफेसर साहब, आपकी बस वाली स्टोरी पे तो आपकी बीवी ने यकीन कर लिया, लेकिन हमने एक और अफवाह सुनी है आपके कॉलेज में, उसके बारे में भी बताइए। देखते हैं उस पर भी विश्वास करती है या नहीं। सर मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, वो बस मैंने देखी थी। बोला ना, बस वाली स्टोरी सुनी है हमने। तू जानता है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, आखिरी बार पूछ रहा हूं, वरना मैं बताना शुरू कर दूंगा और मेरे मुंह से निकले हुए हर लफ्ज पर तू एक चाटा खाएगा। सर 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 सर, मैंने कोई बस नहीं देखी है, पर मैं पूजा को छोड़ना चाहता था। मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। बस के बारे में बहुत अफवाहें सुनी थी, इसलिए मैंने यह चाल चली। मुझे उम्मीद था कि पूजा मेरी बातों पर विश्वास कर लेगी और कुछ दिनों बाद घर छोड़कर चली जाएगी। क्यों छोड़ना चाहता था ये भी बता दे।
क्योंकि मैं अपनी एक स्टूडेंट के साथ रिलेशनशिप में हूं। इसके लिए मत रोइए मिसेस सिंह, उतनी औकात नहीं है इसकी। पापा आपकी चाय। अरे वाह, हरे आ गए आप। हाँ तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ माँ। क्यों चले गए थे घर छोड़ के? अब कहीं नहीं जाऊंगा, रो मत। पानी। ये बिजली को अचानक क्या हो गया? तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हमारे साथ चलो। बचाओ बचाओ बचाओ, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? माँ, बाबूजी, आपको पता है लड़की? बचाओ 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 बचाओ, मेरा दरवाजा खोलो भाई। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, दरवाजा खोलो भाई। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो। परेशानी क्या है? कितनी बार तो बोल चुकी हूँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बार बार आ जाती है टॉन्ट मारने। अब आप जाइए, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब है। अरे सास से बात करने की तुझे कोई तबीयत नहीं है? हमारे साथ चलो, 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 हमारे साथ चलो। हमारे साथ चलो, 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 हमारे साथ
चलो हमारे साथ, 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 चलो सोमनाथ क्या हुआ? सोमनाथ क्या हुआ? क्या हुआ? एक का अफेयर तो सामने आ गया और बाकी भी जो तीन लोग भागे थे उनमें से एक दो के सर पे बहुत कर्जा था। सोमनाथ के बारे में तुम्हें क्या लगता है? विक्रांत, मैंने खुद उस बस के अंदर जाकर देखा, वो लोग अपनी दुल्हन के लिए दूल्हा ढूंढ रहे हैं और जैसे ही उन्हें कोई मिलता है वो उसके साथ भी वही करते जो उनके साथ हुआ था। पहले उसे तीन दिन तक तड़पाते और फिर तीसरे दिन उसी से उसकी फैमिली को मरवा देते हैं। वो लोग रुकने वाले नहीं है। लेकिन ये बस 30 सालों के बाद लोगों को पजेस क्यों कर रही है? कंस्ट्रक्शन की वजह से स्टेट हाईवे जो बंद है, लोगों को उसी पुरानी रोड से जाना पड़ता है। और ये वही रोड है जहाँ पे उस बस का एक्सीडेंट हुआ था। इस सोमनाथ को पकड़ना बहुत जरूरी है विक्रांत। हाँ बोलो। अच्छा चलो ग्रेट, ठीक है। क्या हुआ? सोमनाथ की फैमिली को बता दो वो मिल गया। क्या? मुझे पता था ये शराबी शराब के बगैर नहीं जी पाएगा, इसलिए मैंने इस शहर के सारे वाइन शॉप्स पे उसका फोटो भेज दिया था। वहीं से मिल गया, अपने किसी दोस्त के घर पे पड़ा हुआ है। चलो किधर है? सोमनाथ सर, मैं सच कह रहा हूं सर, रात को यहीं पे था। सोमनाथ कुछ बताया उसने? सर वो बहुत डरा हुआ था। अब दोस्त है ना तू उसका, सोमनाथ के बारे में जो कुछ भी जानता है सब सच सच बोल दे। सर वो क्रिमिनल नहीं है, सब लोगों ने पता नहीं उसे क्या बना दिया, ये सब उस बस की वजह से हो रहा है उसके साथ। सर उसके परिवार को बचा लीजिए, बहुत खतरे में है वो। आज अपने घर जरूर जाएगा, आज तीसरा दिन है। जी मुझे बस आपसे पूछना था कि क्या आप सोमनाथ के परिवार को कुछ दिन अपने साथ रख सकते हैं, बस कुछ दिन के लिए? देखिए मैडम, आप हमें इस झंझट में मत डालिए, मेरी बच्ची ऑलरेडी बहुत परेशान है, आप प्लीज हमें माफ कर दीजिए। देखिए आप लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा आप लोगों को, हम लोग हैं ना। हमें उनसे कोई डर नहीं है, हमें उनसे कोई डर होगा भी क्यों, ये सब वो नहीं कर रहे, उनसे कोई और करवा रहा है। जो उनके अंदर है वो उन्हें मजबूर कर रहा है ये सब करने के लिए। उसे कौन या क्या मजबूर कर रहा है ये तो बाद में पता चली जाएगा, फिलहाल आपकी सिक्योरिटी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है और इसके लिए सोमनाथ का पकड़े जाना बहुत जरूरी है। मैं खिड़कियां चेक करके आता हूँ। मैं भी आता हूँ। सोमनाथ रुको, सोमनाथ
पापा आप ही समझाइए ना, माँ ने कल से कुछ भी नहीं खाया है। माँ दरवाजा खोलो। अरे बेटा आ गया। रुको बैठो, आज तीसरा दिन है, हमारी जान को खतरा है। नहीं, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ दरवाजा खोलो, माँ दरवाजा खोलो। जाने दो ना मुझे। माँ दरवाजा खोलो, बाबूजी दरवाजा खोलो। सोमनाथ की फैमिली को छोड़कर यहाँ पे क्या कर रही हो? जब मैं खिड़की बंद कर रही थी, मैंने सोमनाथ को देखा, उसी का पीछा करते हुए आई, पर पता नहीं कहाँ भाग गया। अरे वो यही कहीं था। बचाओ! नहीं, सोमनाथ नहीं! नहीं, नहीं, मैं आ जाऊँ। हमारे साथ चलो। सोमनाथ रुक जाओ, सबको मार डालूंगा मैं। सोमनाथ किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको जला दूंगा मैं। पागल मत बनो सोमनाथ, रुको। मैं तेरा बाप हूं सोमनाथ। हमारे साथ चलो। सबको जला डालूंगा मैं, पागल हो गई, किसी को नहीं छोड़ूंगा। पीछे से देखा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, सबको मार डालूंगा, खुद को भी मार डालूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सोमनाथ, पागलपन छोड़ो।
हाँ रोशन, चार कॉन्स्टेबल्स की एक टीम लेकर सोमनाथ के घर पे आओ, और आते आते एक डॉक्टर को भी लेके आना। नहीं कोई कैजुअल्टी नहीं है, बस आ जाओ। अब इसका कर्ज टूट चुका है क्योंकि इसने तीसरे दिन अपनी फैमिली को नहीं मारा बाकी लोगों की, वरना सोमनाथ का पागलपन देख के तो यही लग रहा था कि ये इन लोगों को मार देगा। बट ट्रस्ट मी, अब इसकी फैमिली को इससे कोई खतरा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक हो गया है पहले की तरह। सबसे पहले इस बस का किस्सा खत्म करते हैं, कभी डीएम को बोलकर वो रास्ता बंद करवाता हूँ। होपफुली अब वो बस कभी ना दिखे। साथ चलो।